हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, कल हमने एमसीक्यू मिसलेनियस चेक से स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, देन हाउ मेनी वर्ड्स देयर इज इन द लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद ई। देखो, अगर आप डिक्शनरी में लिखोगे तो डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे मैंने एग्जामिनेशन लिखा है, ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन एस एग्जामिनेशन, कितने लेटर हैं इसमें टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर, ठीक है, 12 3 3 6 एग्जामिनेशन एस 11। डिक्शनरी में जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले ए से लेटर आते हैं, फिर ए में भी क्या होता है कि ए के बाद बी आएगा, ए ए बी बी, ए बी के बाद ए बी सी, ए बी सी के बाद ए बी सी डी। अगर आप किसी का नाम, किसी में किसी का वर्ड है जैसे बुक, तो बुक ए से जितने लेटर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद बी वाले स्टार्ट होंगे, पहले बी ए वाले आएंगे, बी बी वाले, बी सी वाले, बी डी वाले, जब जब बी ओ आएगा जब आएगा बुक डिक्शनरी के अंदर। डिक्शनरी पढ़नी आती है ना, तो उसने बोला है कि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसके, मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और इम्पॉर्टेंट भी है। स्टार्टिंग विद ई, ई से स्टार्ट होने से पहले कितने लेटर आएंगे, तो देखो एग्जामिनेशन में ई से पहले क्या आता है, ए बी सी डी, चार लेटर आते हैं। बी इसमें कहीं नहीं दिख रहा, सी इसमें कहीं नहीं दिख रहा, डी इसमें कहीं नहीं दिख रहा, इसमें ई से पहले बस एक लेटर दिख रहा है ए से। तो डिक्शनरी में जो लेटर आएंगे ई से पहले वाले वो केवल किससे लिखे जाएंगे, ए से लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर लिस्टेड इन, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म यूजिंग ए दैट विल बी बिफोर यू, बिफोर ई से जो पहले लेटर लिखे जाएंगे वो बस ए से लिखे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ठीक है ना। तो जब ए से लिखने वाले होंगे तो क्या होंगे कि ए को हम फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर देंगे, 11 से भी एक लेटर को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया, समझो। तो देखो बात सिंपल सी बात है कि जैसे बुक है या बैक है, बी ए सी, अब बैक से कितने लेटर फॉर्म होंगे, अगर मैं कहूँ कि सी से पहले बी से पहले कितने लेटर फॉर्म हो सकते हैं, देखो कैसे हो सकते हैं, ए को मैंने फिक्स कर दिया, अब डिक्शनरी में क्या है ए बी सी के, ए को फिक्स रखा, देन बी के बाद क्या है सी बी के, देन क्या आएगा ए के, देन क्या आएगा बी और सी, देन आएगा ए के सी और डी, इसी तरीके से लिखा जाता है डिक्शनरी में। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन को डिक्शनरी में लिखना है, और डिक्शनरी में लिखने के बाद वो लेटर देखने हैं जो इससे स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट, ई से लिखे जाने वाले वो लेटर से पहले वाले लेटर आते हैं, तो बस ए से जो लेटर लिखे जाएंगे वो ई से पहले आएंगे। हमने ए को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है, जैसे मैंने अभी तुम्हें सिखाया है ए को फिक्स करने के बाद, ए को फिक्स करने के बाद कितने कुछ लेटर बचे, 10 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 लेटर बचे। अभी टू कैसे फॉर्म करेंगे, नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके, कितने आएंगे 10 की 10, उसमें जो रिपीट हो रहा होगा वो भी आ जाएगा। ये तो फिक्स हो गया, तो बचा क्या, एक तो बचा ई एक्स एम आई एन ए टी आई ओ एन, एक तो एन आ रहा है, ए डबल नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हमने ए ए को फिक्स कर रखा है, ठीक है, आई डबल आ रहा है, बाकी और कोई डबल नहीं है, नीचे कितना है 2P2O2, समझ में आ गया। जो लेटर ई से पहले आएंगे बस उसमें ए फर्स्ट लेटर पे फिक्स हो गया, जो लेटर जो वर्ड्स ए से लिखे जाएंगे वो आपके ई में डिक्शनरी से लिखे हुए पहले वर्ड से होंगे, तो आएगा आपका 10P10 × 2P2O2, तो यह आएगा आपका 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 2 × 1 अपॉन कितना आएगा 2 × 1 × 2 ×
टू से टू कैंसिल हो गया, ए टू से कट हुआ, टू कितना है फोर, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर दिया, टू थ्री सिक्स, सिक्स फाइव था थर्टी, थर्टी सिक्स कितना होगा 180, 180 का खाता, सिक्स फाइव थर्टी, थर्टी टू था सिक्सटी, सिक्सटी थ्री का कितना होगा 180, इन टू नाइन एट टेन नाइन का 90 और एट सेवन का कितना होगा 56, उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बस, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका ये आपका आंसर है 90 72, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, क्लियर, आगे सुन। तो हमें वो लेटर लिखने थे जो डिक्शनरी में ई से पहले आए, ई से पहले वो लेटर आए हैं जो या तो ए से लिखे थे, बी से लिखे थे, सी से लिखे थे, डी से लिखे थे, इसके अंदर केवल ए था, बी था नहीं, सी था नहीं, डी था नहीं, तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म यूजिंग ए, तो दैट विल बी बिफोर ई, तो एक ए को फिक्स कर दिया, एक ए को फिक्स किया तो बाकी कितने बचे, 10 बचे, 10 को कितने तरीके से फॉर्म करेंगे, 10 P 10, अब और इसमें आई रिपीट हो रहा है और एन रिपीट हो रहा है, तो आई की वजह से कितना आएगा नीचे 2P2 और एन की वजह से कितना आएगा 2P2, तो सॉल्व होकर कितना आंसर आ गया 90 72 00, क्लियर। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिक्स डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 10, नो डिजिट इज रिपीटेड, दो कंडीशन है, एक तो 6 डिजिट का नंबर बनना चाहिए, उसके अलावा ये भी कंडीशन है कि वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो फिर फिल करते हैं कि दैट शुड बी डिविजिबल बाय 10, कोई नंबर 10 से डिविजिबल एक ही कंडीशन में होता है, कब होता है, जब उसके एंड में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है, देखो इधर फॉर्म है तो मतलब परमोटेशन लगेगी ना, तो ये कंडीशन तो तुम्हारी धीरे धीरे जरूर हो जाएगी, नंबर ऑफ सिक्स डिजिट विच आर डिविजिबल बाई 10 आर डिविजिबल बाई 10, एक दो तीन चार पाँच टोटल 6 प्लेस, लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि लास्ट में 0 फिक्स हो गया, क्योंकि नंबर 10 से डिविजिबल तभी होगा क्योंकि एंड में 0 आएगा, तो एक 0 तो फिक्स हो गया, अब बचे मेरे पास कितने नंबर डिजिट बचे, 1 3 5 7 9 पाँच बचे, और प्लेसेस कितने बचे, 5 बचे, ठीक है, तो नंबर ऑफ सिक्स डिजिट कितना आ जाएंगे आपके, 6P6 नहीं आएगा, 5P5, क्योंकि 5 ही बचे ना, 5 ही डिजिट बचे, 5 ही प्लेस बचे, एन भी 5 हो गया, आर भी 5 हो गया, एन भी 5 है और आर भी कितना है, 5, कितना आएगा, 5P5, रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ होता तो ऐसा होता भी नहीं, कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगी, 1 3 5 7 कितना आएगा, 5P5, 5P5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल कितना आता है, 1, तो ना के पहले हमने 0 को फिक्स कर दिया, नंबर इन ऑफ सिक्स डिजिट विच आर डिविजिबल बाय 6, इट मीन्स 0 विल कम एट 10, इट मीन्स 0 कम्स एट 10, इट मीन्स 0 आपको फिक्स हो गया लास्ट प्लेस में, 0 लास्ट प्लेस पे फिक्स हो गया, बचे कितने नंबर आपके पास, 5 डिजिट बचे, प्लेसेस कितने बचे, 5 बचे, तो 5 प्लेस को 5 डिजिट के अच्छे कैसे फिल करूंगा, एन पाई है, आर फाइव है, तो कितना आएगा, 5 पे 5 कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना आ गया, 120, क्लियर, तो ये आपका आंसर है, कितना इज 120, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द इंग्लिश अल्फाबेट ऑफ द 5 वोवल्स एंड द 21 कंसोनेंट, कितने वोवल्स है, 5 तो वोवल्स है और 21 कंसोनेंट है, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कंसोनेंट कैन बी फॉर्म यूजिंग द अल्फाबेट, कंसोनेंट कैन बी फॉर्म, अब पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट लेने पड़ेंगे, 5 वोवल में से 2 वोवल लेने पड़ेंगे और 21 कंसोनेंट में से 2 कंसोनेंट लेने पड़ेंगे, 4 लेटर लिए, 4 वर्ड लिए, लेटर लिए थे, फिर उनको फॉर्म करेंगे, तो पहले इसमें कॉम्बिनेशन लेगा, फिर क्या लेगा, परमोटेशन लेगा, क्योंकि आप 5 कंसोनेंट 5 वोवल आपके पास, ए ई आई ओ यू, एक बच्चा कहता है मैं ए ई लूंगा, एक कहता है मैं आई यू लूंगा, एक कहता है मैं यू ओ लूंगा, तो कितने तरीके से लिए जा सकते हैं, पहले वो वर्ड्स लिए जाएंगे, लेटर्स, लेटर्स लेने के बाद उनको फॉर्म किया जाएगा, जिससे क्या बनेंगे वर्ड्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्ट टू वर्ड्स,
बॉयज है कितने हमारे पास, पांच है, पांच में से दो बॉयज का सिलेक्ट करो, 5 से 2 नंबर ऑफ बेस सिलेक्ट अप टू कंसोनेंट, सिलेक्ट टू कंसोनेंट कितना है कि 21 सीक्वल, क्योंकि टोटल 21 कंसोनेंट होते हैं दो लेने, हाउ मेनी वर्ड्स टू डिफरेंट वोवेल्स एंड द टू डिफरेंट कंसोनेंट कैन बी फॉर्म्ड। अब हमने यहाँ पे पांच वोवेल में से दो वोवेल लेने के तरीके देख लिए, 21 कंसोनेंट में से दो कंसोनेंट सेलेक्ट करने के मेथड को आ गए वेज। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मेशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू वोवेल्स एंड टू कंसोनेंट कितना आएगा, 5c2 इंटू 21c2 इंटू कितना आएगा 4p। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, 5c2 इंटू 21c2 इंटू कितना आएगा 5p। करें इसे सॉल्व, 5c2 आएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, 4b4 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन 4 माइनस 4 0 होता है, तो जाएगा आपका 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा तो बचेगा 21 इंटू 20, 19 कट जाएगा तो बचेगा, 4 फैक्टोरियल आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये कट गया 10 आपको, ये कटा कितना है 2, 5 टू 0 कट है इंटू 210, 4 3 जा 12, 12 टू 0 कितना है 24, अगर 10 इंटू 210 इंटू कितना है 24 की 10 से मल्टीप्लाई करो, 24 बंदे 24, 24 टू 48, 48 टू 2 कितना होगा 50, ये आएगा 504 डबल। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया, पांच होल्स से दो होल्स सेलेक्ट किए तो कैसे सेलेक्ट करेंगे 5c2, 21 कंसोनेंट में से दो कंसोनेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे 21c2, तो नंबर ऑफ द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू होल्स एंड टू कंसोनेंट, पहले दो होल्स लिए दो कंसोनेंट लिए, फिर चार हमारे पास लेट वर्ड्स लेटर को आ गए वर्ड्स, चार लेटर्स आ गए, दो कंसोनेंट आकर दो क्या आ गए वोवेल्स, उनको फॉर्म कैसे किया 1 to 4 सॉल्व करके आंसर। ठीक है, क्लियर, तो आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया 6 में। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू।